उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में श्रावण के तीसरे सोमवार 1 अगस्त को आत्मकल्याण एवं राष्ट्र शांति हेतु श्री द्वादशह हालिंगेश्वर सिद्ध महापीठ की 7 किलोमीटर की परिक्रमा में सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बड़े भाव के साथ दी, जिसमें महामंत्रों, भगवत भजन एवं विशेष भावना को लेकर समाज में सौहार्द, भाईचारा एवं शांति बनाए रखने हेतु भगवान का पूजन एवं प्रार्थना करते हुए दिव्य परिक्रमा दी। परिक्रमा देने के उपरांत महालिंगेश्वर भगवान पर राष्ट्र में शांति हेतु अभिषेक एवं शांति पाठ किया गया तथा प्रसाद वितरण किया गया। पीठ के संस्थापक आचार्य मंजीत धर्मध्वज ने बताया कि ये सिद्ध महापीठ मेदिनी ज्योतिषी के अनुसार बताया गया है, जिससे राष्ट्र और विश्व शांति हेतु समय समय पर अनुष्ठान होते रहते हैं। इस पीठ में संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों की मिट्टी, कुंडों, सरोवरों, नदियों और समुद्रों के जल के साथ 12 शिवलिंग एवं सारे देवता और इष्ट दीक्षा केंद्र प्रतिष्ठित हैं, जिससे इसके दर्शन और परिक्रमा से सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।